फ्रेंड्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में मैं आज आपको पाठ्यक्रम के तत्व और विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। जैसा हम कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं तो उस चीज़ को ग्रहण करने से पहले हम उनके तत्व, यानी कि हम ये जानना चाहेंगे कि उसमें ऐसे कौन से तत्वों का समावेश होता है कि वो हमारे लिए सही रहे या हमारे लिए लाभदायक रहे। जैसे हम कहते हैं कि भोजन को, जब हम कोई भी भोजन करते हैं, जब जिस समय हम भोजन करने बैठते हैं या हम किसी चीज़ को खाते हैं, तो हम सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं या हम ये पता करते हैं कि इस भोजन में ऐसे कौन से तत्वों का समावेश है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। उसी तरीके से हम जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए उसमें क्या समावेश है, कौन से तत्वों का समावेश है कि हम उस कार्य को क्यों कर रहे हैं, या उस कार्य को हम करने से हमारे किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है, या ये कार्य किस तरह से हमें पूरा होता है, तो वो सब हमारे इस तत्वों पर निर्भर होता है। कहते हैं कि तत्व हमारे लिए जिस तरह से भोजन में आवश्यक होते हैं, उसी तरीके से तत्वों का समावेश हमारे प्रत्येक कार्य में होता है। अब चाहे हम यहाँ पर पाठ्यक्रम का निर्माण करें, जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तब हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि पाठ्यक्रम में हम इन कौन से तत्वों का समावेश होता है कि जिसकी हमें आवश्यकता होती है। तो वही तत्वों के बारे में मैं आपका वर्णन करूँगी, और तत्वों से ही हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया करते हैं। जो निर्माण की प्रक्रिया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसमें सबसे पहले पाठ्यक्रम के तत्व और पाठ्यक्रम की विशेषताओं के बारे में मैं आपको पूर्ण रूप से अध्ययन करवाऊंगी। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पाठ्यक्रम के तत्व, जो कि फर्स्ट है हमारा शिक्षण का उद्देश्य। यानी कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम हम यही करते हैं कि कार्य करने के पीछे हमारे पास कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है। तो जो कारण होता है उस कार्य को करने के पीछे, वो हमारा उद्देश्य बन जाता है। अर्थात जब तक हमारे पास कारण नहीं होगा तब तक हम उस कार्य को करने की कोशिश नहीं करेंगे, और वो कारण ही हमारा उद्देश्य बन जाता है, अर्थात हमारा लक्ष्य बन जाता है। तो उसमें सर्वप्रथम ये हमारा टॉपिक है शिक्षण के उद्देश्य। तो हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम जो सबसे पहला तत्व होता है पाठ्यक्रम का, वो होता है शिक्षण का उद्देश्य। यानी कि शिक्षण के उद्देश्य कि वो पाठ्यक्रम ने किस तरीके से अपने शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करवाता है, ये पूरे पाठ्यक्रम पर निर्भर होता है कि जो शिक्षण की क्रिया चल रही है, कि जो हम सीखना चाह रहे हैं, जो शिक्षण क्रिया टीचर हमें करवाते हैं और स्टूडेंट जिसे सीखता है, उस क्रिया को हम आगे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, या कहें तो उसको किस तरह से विकासशील बना सकते हैं, उसे कौन सी गति प्रदान कर सकते हैं, कौन सा आकार प्रदान कर सकते हैं, ये सारा हमारे उद्देश्य में छुपा हुआ रहता है। क्योंकि अगर जो पाठ्यक्रम हम लेना चाह रहे हैं, अगर वो पाठ्यक्रम हमारा आगे बढ़ने जैसा है ही नहीं, गति प्रदान करने वाला है ही नहीं, तो हम मानते कि वो पाठ्यक्रम, जो उसका ज्ञान लेना हमारे लिए व्यर्थ होता है। तो इसमें बताया गया है कि पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम उसके शिक्षण उद्देश्य अर्थात उसके टीचिंग एम को पूरा करता है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जिससे संबंधित हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करवाता है या नहीं। अर्थात ये हमारे शिक्षण को गति प्रदान भी करता है, और जो उद्देश्य हम शिक्षण का ले रहे हैं उसे हमें पूरा भी करवाता है। सेकंड है हमारा अनुदेशनात्मक प्रारूप, जिसे हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शनल प्रारूप स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा निर्देश करने का होता है। कहते हैं कि जब हमारा उद्देश्य हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस उद्देश्य को किस तरीके से आगे बढ़ाना है ये हमारा अनुदेशन में सिखाते हैं। हमने ये भी कहा है कि अनुदेशन होता है, अनुदेशन हम किस किस के माध्यम से, एक तरीके से हम कहें तो शिक्षक भी छात्र के लिए एक अनुदेशन होते हैं, क्योंकि वो उनको मार्गदर्शन देते हैं, वो उनको दिशा निर्देश देते हैं। तो इंस्ट्रक्शन में क्या आता है, दिशा निर्देश देना, उन्हें निर्देशित करना। तो जब यहाँ हम उद्देश्य बना रहे हैं तो उद्देश्यों को पूरा किस तरीके से करना है, उसके लिए हमें किन किन कहते हैं कि यहाँ पर अनुदेशक प्रारूप में हमारी वो विधियाँ, वो सहायक सामग्रियाँ, ये सब इन
वर्णन अनुदेशन में होता है कि जिन जिन सहायक सामग्रियों के द्वारा और जिस विधि के द्वारा हम इन प्राप्ति कर रहे हैं शिक्षण का, वो हमारा अनुदेशन में हमारे सहायक होते हैं। क्योंकि चाहे हम पुस्तक लें, चाहे हमारे लिए हमारे टीचर हैं, चाहे हम इसके लिए अनुदेशन के लिए हम कोई टेक्निक यूज में लें, या हम कहते हैं कि आज हम जो मॉडल हमारा जो ब्लैक बोर्ड, ये सब हमारी अनुदेशन सामग्रियाँ हैं। तो ये कहते हैं कि अनुदेशनात्मक प्रारूप, ये हमें दिशा निर्देशित करते हैं कि हमें ये कार्य किस तरीके से करना है। जो कार्य हमने यहाँ उद्देश्य लेकर, यानी कि हमने जो कार्य यहाँ निश्चित किया है, जो उद्देश्य हमने बनाया है, उस उद्देश्य को, यानी कि कार्य का उद्देश्य, जो उद्देश्य हमने यहाँ बनाया है, उसे किस तरीके से पूरा करना है, किस तरह से पूरा करना है, ये हमारा अनुदेशनात्मक में आता है। इसमें हमारी सहायक सामग्रियां, सहायक सामग्री और विधियों, जो भी हम मेथड काम में लेते हैं, ये हमारी इस अनुदेशनात्मक में हमारे काम आते हैं। ये हमें दिशा निर्देश होता है और ये निर्देश भी हमें देते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा सर्वप्रथम जो निर्देशन होते हैं, अनुदेशन होता है, वो हमारे शिक्षक के माध्यम से होता है। यहाँ प्रथम हमारा अनुदेशन हमारे शिक्षक के माध्यम से होता है। तो इसमें बताया गया कि जो उद्देश्य होते हैं, उन्हें हम किन सामग्रियों के द्वारा, किन विधियों के द्वारा हमें पूरा करना है, ये हमें एक अध्यापक के माध्यम से प्राप्त होता है। और अध्यापक हमें उसी पाठ्यक्रम से निर्धारित या पाठ्यक्रम से पर आधारित हमें वो दिशा निर्देश देते हैं कि हमें ये कार्य किस तरह से करना है। तो पाठ्यक्रम हमारे दिशा निर्देश करने के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हमें पाठ्यक्रम में उस दिशा निर्देश के बारे में पता नहीं रहेगा, हम कोई भी सामग्री प्रयोग में नहीं ले सकते, हम कोई विधिया काम में नहीं ले सकते। तो इन सबका ज्ञान हमें हमारा पाठ्यक्रम करवाता है। तो हम कह सकते हैं कि अनुदेशनात्मक प्रारूप में पाठ्यक्रम की अहम भूमिका होती है। थर्ड है हमारा मूल्यांकन। हम देखते हैं कि जब हम जिस कार्य को करते हैं, उस कार्य का हमारा मूल्यांकन करते हैं कि वो कार्य हमारा किस तरीके से संपन्न हुआ है, ये हमारा मूल्यांकन में हमें पता चलता है। या हम कहें तो मूल्यांकन से हमें ये पता चलता है कि हमारा कार्य कितना पूरा हुआ है, किस तरीके से पूरा हुआ है, या उसका प्रभाव क्या है, ये पूरा हमारा मूल्यांकन में होता है। अगर इस मूल्यांकन में अगर कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, तो हम पुनः यही हमारी प्रक्रिया वापस स्टार्ट करते हैं। तो मूल्यांकन हमारे उद्देश्य और हमारे प्रारूप की अंतिम प्रक्रिया होती है। इसके माध्यम से हमें हमारे पाठ्यक्रम का प्रभाव पता चलता है कि हमारे जो पाठ्यक्रम में अगर हमने जो ये सारी विधियाँ काम में ली हैं, ये सारी प्रक्रिया हमने काम में ली है, तो इसके बाद में हमारा मूल्यांकन क्या होता है। अगर हमारा मूल्यांकन सही आता है तो ठीक, नहीं तो हम यही प्रक्रिया पुनः करते हैं। अब मूल्यांकन के बाद में आता है हमारा प्रश्न पोषण, यानी कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसका हम क्या देते हैं, फीडबैक। तो फीडबैक हमें मिलता कब है, मूल्यांकन के बाद। यानी कि फीडबैक किससे प्रभावी होता है, मूल्यांकन से। ये मूल्यांकन से प्रभावी होता है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि ये मूल्यांकन द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि फीडबैक तो हम मूल्यांकन के आधार पर देते हैं। तो इस चीज में ये बताया जाता है कि फीडबैक हमारा सकारात्मक आता है या नकारात्मक आता है, ये हमारे मूल्यांकन पर आधारित होता है। यहाँ हम केवल इतना बता सकते हैं कि ये पाठ्यक्रम हमारे लिए कितना प्रभावी है। तो ये हमने तीन चीज देखी है शिक्षण के तत्व में। सबसे पहला जो हम कार्य निश्चित करते हैं, अर्थात हमारा उद्देश्य, और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए हमारे पाठ्यक्रम, बिना पाठ्यक्रम के हम उद्देश्य को नहीं पूरा कर सकते। उस उद्देश्य का चयन हम किसके माध्यम से करते हैं, पाठ्यक्रम के आधार पर। और उसी पाठ्यक्रम के आधार पर जब हमने उद्देश्य ग्रहण किया, तो उद्देश्य को हमें किस तरीके से प्रयोग करना है, किन विधियों के द्वारा प्रयोग करना है, किन सामग्रियों के द्वारा पूरा करना है, ये भी हमें हमारा पाठ्यक्रम हमें मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। कहते हैं शिक्षक भी पाठ्यक्रम पर ही आश्रित होते हैं कि उन्हें किस तरीके से इस कार्य को पूरा करवाना है। तो पाठ्यक्रम हमारा
थर्ड था हमारा मूल्यांकन, यानी कि जो हमने ये उद्देश्य और जो हम अनुदेशात्मक प्रारूप में विधियां हैं उनको प्रयोग में लेने के बाद इस पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होता है कि क्या हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो कार्यक्रम हम इस पाठ्यक्रम के आधार पर सही है या नहीं, या हमारे लिए ये प्रभावी होगा या नहीं। इसके बाद में हम मूल्यांकन से प्रभावित होकर मूल्यांकन का प्रभाव हमारा फीडबैक होता है, जिसके माध्यम से हम पूरा प्रभाव बताते हैं कि ये हमारा क्या प्रभाव इसका पड़ा है। तो ये है हमारे मूल्यांकन के तत्व। अब हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम की विशेषताएं कि पाठ्यक्रम में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। जिस तरह से सर्वप्रथम हमारा यहाँ पर तत्व था कि हम उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, तो यही हमारी विशेषता में भी आएगा कि सबसे पहला हमारा उद्देश्य होता है कि जो हम अपने शैक्षिक उद्देश्य लेकर चले हैं, जो कार्य हम करना चाह रहे हैं वो कार्य हमारा पूरा हो रहा है या नहीं, ये पाठ्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अर्थात शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, कि हम किस तरह से हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं। सेकंड है हमारा शिक्षण सामग्री का निर्धारण, यानी कि वही चीज जो अनुदेशनात्मक प्रारूप में है कि जब हम उद्देश्यों को लेते हैं तो सब जब उसकी दूसरी विशेषता आएगी तो हम उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम सामग्रियों का चयन करेंगे कि हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो सामग्रियों की आवश्यकता हम किसके आधार पर लेते हैं, पाठ्यक्रम के आधार पर। उस पाठ्यक्रम के आधार पर हम हमारी सामग्रियों का चयन करते हैं, जो हमारी शिक्षा अधिगम में जो हमारे काम आते हैं, सीखने में सिखाने में जिस चीज का हमें प्रयोग करते हैं हम उन सामग्रियों का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। फिर आता है हमारा शिक्षण विधि, यानी कि जब हम सामग्री चयन करते हैं तो सामग्री के बाद में हम किस विधि द्वारा उसे प्रयोग में ले रहे हैं उसका भी हम चयन करते हैं। हम कहते हैं कि शिक्षण में पाठ्यक्रम में बहुत सारी हमारी विधियाँ होती हैं। हम कहें कि अगर छोटे बच्चे को अगर हम एक व्याख्यान विधि से पढ़ाएंगे तो छोटा बच्चा उसे नहीं समझ सकता, लेकिन अगर वही चीज़ हम व्याख्यान विधि अगर बड़े बच्चों को समझेंगे समझाएंगे तो वो इस विधि का प्रयोग सुचारू रूप से करेंगे। अगर हम कहें कि एक कहानी और कविता सुना के हम छोटे बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन वो विधि अगर हम बड़े बच्चों के लिए अप्लाई करते हैं तो वो विधि हमारे लिए प्रभावी नहीं होती। तो इसमें कहा गया कि पाठ्यक्रम इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है, उसमें ये विशेषता होती है कि वो वही विधि काम में लेता है जो कि बच्चों को आवश्यक हो, यानी कि छात्र के मानसिक स्तर के आधार पर विधियों का चयन करता है। और उसी मानसिक स्थिति के जब विधि हम काम में लेते हैं तो विधियों के लिए हम सामग्री भी प्रयोग में लेते हैं। तो ये है इसकी थर्ड विधि। अब फोर्थ है हमारा विषय सामग्री का विभाजन। हम देखते हैं कि हमारा जो विषयों का चयन होता है, हम जब विषयों का विभाजन करते हैं तो वो विषयों का विभाजन हम किसके आधार पर करते हैं, पाठ्यक्रम के आधार पर। यानी कि अगर हम ये कहें कि हम टेंथ में सब्जेक्ट लें तो वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। अगर हम देखें कि हम जहाँ क्लास 11th में जाते हैं तो वहाँ हमारे सब्जेक्ट चयन का टाइम आता है और हम हमारे समय सब्जेक्ट लेते हैं। हम ये कहें कि हम गणित को हम सामाजिक अध्ययन में नहीं मिला सकते, यानी कि हम उन विषयों का विभाजन कर देते हैं कि कौन कौन सी विषय किस क्षेत्र में जाती है। अगर हम यहाँ पढ़ें कि छोटा बच्चा जहाँ एक कहते हैं काउंटिंग सीखता है तो वो काउंटिंग कहाँ जाती है, गणित विषय में, ना कि वो SST में। तो इसी तरीके से हम पाठ्यक्रम के आधार पर विषय सामग्री का और विषयों का दोनों का चयन करते हैं। हम विषय सामग्री कैसे चयन करते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर हिंदी है इंग्लिश है तो हम बच्चों को पोयम सिखा सकते हैं, लेकिन क्या हम उसे साइंस में सिखा सकते हैं, नहीं सिखा सकते। तो यही चीज़ है कि जो जो जिस सामग्री का काम कार्य होता है, जिस विषय के लिए होता है, वो हमारा पाठ्यक्रम पहले से ही निर्धारित कर देता है कि हमें किन सामग्रियों का इसमें चयन करना है। फिर है हमारा चरित्र निर्माण, कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो हमारा चरित्र निर्माण भी करता है। चरित्र निर्माण में हम कह सकते हैं कि हमारा शारीरिक और मानसिक
दोनों विकास करता है। शारीरिक में हम कह सकेंगे कि हम जब पाठ्यक्रम का एक, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं हमारे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होता है, तो वो हमारे जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं वो हमारे चरित्र निर्माण में सहायक होती हैं। वो शारीरिक क्रियाएं जो हम करते हैं, चाहे हम योगा करें, हम व्यायाम करें, ये सारी क्रियाएं हमारी किसके साथ होती है, हमारे पाठ्यक्रम पर आधारित। उस पाठ्यक्रम के द्वारा ही हमारा जो भी कार्य होता है, कहते हैं कि चरित्र के निर्माण में हमें एक अच्छा और सभ्य नागरिक हमें यहाँ बनाता है। चरित्र व्यक्तित्व में हम क्या करते हैं, व्यक्तित्व में हमारा शारीरिक और मानसिक जो भी क्रियाएं होती है, जो हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं में करते हैं, वो सारा हमारे व्यक्तित्व, कहते हैं कि व्यक्तित्व जो हमारा, कहते हैं हमारी खुद की स्केलिंग होती है स्वयं की। चाहे हम यहाँ पर कहें कि हमें बोलने का, हमें हमारी शारीरिक क्रियाओं का, हमारी मानसिक क्रियाओं का, ये सब हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास। तो ये पाठ्यक्रम इस बात को सत्य करता है कि हम ऐसा पाठ्यक्रम बना के दें जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। उसी के माध्यम से बच्चों का पूरा विकास होता है, चहुमुखी, जिसको हम शारीरिक, मानसिक, पूरी तरह से बच्चों का चहुमुखी विकास होता है। नेक्स्ट है हमारा अनुसंधान एवं आविष्कार। कहते हैं कि पाठ्यक्रम का ये सबसे महत्वपूर्ण होता है अनुसंधान व आविष्कार, कि हम जो पाठ्यक्रम बनाते हैं उसे हमें किस तरीके से हमें आगे प्रयोग में लेना है। कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, ये जो हमारा पाठ्यक्रम बनाती हैं, हम रिसर्च करते हैं, वो किसके आधार पर करते हैं, हमारे पाठ्यक्रम पर, यानी वो पहले से उस चीज़ को सुनियोजित कर लेती हैं कि हमें ये कार्य करना है। हम उस पाठ्यक्रम को हमारे आविष्कारों में, यानी ये जरूरी नहीं है कि हमने जो कार्य किया उसको बिना प्रारूप बनाए, यानी बिना सुनियोजित करें हम उस कार्य को करें। अगर हम कोई अनुसंधानिक कार्य कर रहे हैं, कोई आविष्कारिक कार्य कर रहे हैं, वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारा पाठ्यक्रम होता है कि हमें किस स्टेप से उस कार्य को करना है। तो आज कहते हैं कि आज हम नए नए आविष्कार और जो अनुसंधानिक कार्य कर रहे हैं उसके अंदर हमारा पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे इनकी अलग से संस्थाएँ बनी हुई हैं, शैक्षिक संस्थाएँ बनी हुई हैं अनुसंधान के लिए, जो कि ये कार्यों का भार उठाती हैं। और ये पाठ्यक्रम का हमारा जो विशेषता है, वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसके लिए। नेक्स्ट है हमारा पाठ्यक्रम में लचीलापन। कहते हैं कि जो पाठ्यक्रम है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है पाठ्यक्रम का लचीलापन, अर्थात हमेशा पाठ्यक्रम को कैसा रहना चाहिए, सरल और लचीला, कि वो समय के अनुसार परिवर्तित हो सके। तो पाठ्यक्रम में जब तक लचीलापन नहीं होगा, पाठ्यक्रम हमारे लिए प्रभावी नहीं होगा। हम देखते हैं कि समय के अनुसार आवश्यकताएं परिवर्तित होती रहती हैं, तो उसी आवश्यकता जब हमारी परिवर्तित होंगी तो हमारा पाठ्यक्रम भी परिवर्तित होगा। तो इसमें कहा गया है कि पाठ्यक्रम को हमेशा लचीला रहना चाहिए कि वो समय समय पर हमारे परिवर्तित हो सके। उस कार्य को हमें किस तरीके से करना है ये हम उसमें चेंजेस कर सकें। नेक्स्ट है हमारी जीवन की आवश्यकताएं, यानी हम कहते हैं कि पाठ्यक्रम से हम हमारे जीवन की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। कैसे करते हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम एक तरीके से हमारा खुद का जीविकोपार्जन का साधन बनता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आज की जो शिक्षा है वो शिक्षा केवल हमें हमें खुद को शिक्षित करने के लिए नहीं होता है, वो हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमारा जीवन कैसे पूरा करना है, जीवन यापन किस तरीके से करना है। तो जीवन यापन करने के लिए हमारे जीवन में जो भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, रहना, खाना, जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं, वो सारी आवश्यकताओं को पूरा कौन करता है, पाठ्यक्रम। किस तरीके से, यानी कि हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो शिक्षा का रूप ऐसा बनाता है कि वो हमारे जीवन में आगे प्रयोग में ले सके, जिससे हम कहें कि हम हमारा जीविकोपार्जन की इनकम कर सके और उसको हमारा जीवन यापन कर सके। यानी हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करवाता है। फिर है हमारे जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन। कहते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम जो होता है वो हमारे जीवन के सभी पक्षों का हमें अध्ययन भी करवाता है कि किस समय हमें किस चीज की आवश्यकता होती है। जब हम शिक्षित होंगे तभी हमें हमारी
बारे में जान सकें। कहते हैं कई बार हम जो हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का निराकरण हम किसके माध्यम से करते हैं, हमारे शिक्षा के माध्यम से। और पाठ्यक्रम शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम उस चीज़ को सोचते हैं कि हमें किस तरीके से हमारे जीवन में जो समस्या आई है उसे हम दूर कर सकते हैं। तो यही है कि हमारे सभी पक्षों के लिए अच्छे और बुरे दोनों पक्षों का अध्ययन कौन करवाता है, पाठ्यक्रम। यानी कि हम हमारे सही और गलत दोनों का चयन हम किसके माध्यम से करेंगे, हमारे पाठ्यक्रम के माध्यम से। नेक्स्ट फेज में व्यक्ति व वातावरण से समायोजन। यानी पहले भी बताया था कि शिक्षा हमें हमारा समायोजन करना सिखाती है। अतः हमारा पाठ्यक्रम शिक्षा का अहम हिस्सा है। तो हमें किस तरीके से वातावरण में रहना है, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसमें रहने वाले व्यक्तियों से हमें किस तरीके से समायोजन करना है, संतुलन बिठाना है, आपस में मेलजोल बिठाना है, ये भी हमें हमारे पाठ्यक्रम सिखाते। कहते हैं कि पाठ्यक्रम हमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ज्ञान देने की कोशिश करता है। वो किसी ना किसी रूप में हमें व्यावहारिक ज्ञान भी देता है। जैसे हम कहते हैं कि हम अगर हमारी पुस्तक पढ़ते हैं तो उस पुस्तक में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमें व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो उसमें वही चीज़ गई कि व्यक्ति वातावरण से समायोजन करना भी हमें कौन सिखाता है, पाठ्यक्रम, कि हमें किस तरीके से हमारा तालमेल बिठाना है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्ति समाज के अनुभव। कि व्यक्ति जो कहते हैं पाठ्यक्रम क्या है, अनुभव पर आधारित होता है। कहते हैं पाठ्यक्रम होगा ही प्रभावी जब वो अनुभव पूर्ण होगा। अर्थात जब तक हम अनुभव ग्रहण नहीं करेंगे, जो हमारा पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो अनुभव व्यक्तियों द्वारा ही बनाया जाता है। हम कहते हैं विषय विशेषज्ञ, तो विषय विशेषज्ञ वही होते हैं जो कि अनुभवशाली होते हैं। तो हमारा जो पाठ्यक्रम है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो व्यक्ति और समाज दोनों से अनुभव प्राप्त किए हुए होते हैं और हमें उन अनुभव के आधार पर हमारा पाठ्यक्रम तैयार होता है कि किस तरीके से हमें वो पाठ्यक्रम पूरा करना है। लास्ट में हमारा शैक्षिक स्तर, जो मैंने बताया था कि प्रत्येक बच्चों का जब हमारा पाठ्यक्रम तैयार हम करते हैं तो वो पाठ्यक्रम हम बच्चों के शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो हम उस आधार पर अपना पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, और अगर हम बड़े बच्चों के लिए बनाते हैं तो पाठ्यक्रम को उसी आधार पर बनाते हैं। जैसे हम कह दें कि हमने पाठ्यक्रम का विभाजन कर दिया, जैसे हम कहते हैं कि प्राइमरी मिडिल, और हम कहते हैं इसको कि हम प्राइमरी मिडिल या सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी, तो ये सब हमारा विभाजन है। ये एक स्तर पर हमने इनका विभाजन किया है, और ये हम विभाजन किस स्तर पर करते हैं, मानसिक आधार पर, कि अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो वो बिल्कुल छोटे बच्चों की श्रेणी में आते हैं। तो गवर्नमेंट उसी आधार पर हमारा पाठ्यक्रम तैयार करता है। आगे जैसे जैसे हमारा स्तर बढ़ता जाता है हमारे पाठ्यक्रम का स्तर भी बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये आज की हमारे इसकी विशेषताएं थी पाठ्यक्रम की। कहते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं, कार्यों के साथ साथ जरूरी, या हम व्यक्ति के लिए भी कहें या हम किसी वस्तु के लिए भी कहें, तो उसमें ये सब चीज़ों का समावेश होता है। विशेषता हमारी पहचान होती है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिससे हम हमारा कार्य पूरा कर सकते हैं। और ये तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं कि कुछ हमारे गुण होते हैं उसमें और कुछ हमारे दोष होते हैं। तो ये हमारे पाठ्यक्रम की विशेषताएं थी। पहले मैंने आपको पाठ्यक्रम के तत्व के बारे में बताया था कि पाठ्यक्रम के हमारे चार तत्व हैं, शिक्षक उद्देश्य, अनुदेशनात्मक, मूल्यांकन और प्रश्न पोषण। इसके बाद में मैंने आपको विशेषताएं बताई। इन विशेषताओं में कि सबसे पहले हमारे शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति, फिर शिक्षण सामग्री निर्धारण करना, शिक्षण विधि का चयन करना, विषय सामग्री का विभाजन करना, चरित्र निर्माण के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए, अनुसंधान व आविष्कार के लिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन के लिए और जीवन की आवश्यकताओं के लिए, आवश्यकता से संबंधित जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन, व्यक्ति के वातावरण से समायोजन, व्यक्ति के समाज के अनुभव और हमारा शैक्षिक स्तर। तो बच्चों, जो आज की वीडियो थी हमारी पाठ्यक्रम के तत्व और विशेषताएं, इन्हें ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि ये टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण टॉपिक है और दोनों पुस्तकों से लिया गया है, दोनों पुस्तकों का ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप दोनों पुस्तक के लिए, ये आपके टॉपिक छूटे ना, इसीलिए आप इसके पूरे नोट्स, पूरे बिंदु, आपके जो मुख्य बिंदु मैं आपको बोर्ड पर लिखवा रही हूँ, इन बिंदुओं को आप अपनी उत्तर पुस्तिका कहेंगे अपनी नोटबुक में नोट करें, जिससे आपको आगे परेशानी ना हो। नेक्स्ट जो हमारा होगा पाठ्यक्रम का टॉपिक, अभी हमारा आगे है, तो ये टॉपिक में इसके आगे की जो बिंदु है वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।